आपको दुख देने वाला कौन है? हमें दुख भगवान कभी नहीं देते। जो लोग कहते हैं ना भगवान ने हमें बड़ा दुख दिया, भगवान किसी को दुख नहीं देते। राम न मारे काहू को पापी नहीं आ राम, आप ऐसे मर जाते हैं कर कर खोटे। आपके अपने गलत कर्म आपको दुख देते हैं। को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को दुख नहीं देता, व्यक्ति के अपने कर्म, हमारे अपने बुरे कर्म हमें दुख देते हैं और हम दोष भगवान को देते हैं। अरे भगवान ने बड़ा दुख दिया, कोई भगवान की आपसे दुश्मनी है कि भगवान आपको दुख देंगे? आपने बुरे कर्म किए तो दुख मिला। भगवान किसी को दुख नहीं देते, बताओ देते हैं क्या? पीछे वाली मैया बताओ, भगवान दुख देते हैं क्या? नहीं। फिर आपकी सास आपको दुख देती है, वो कौन दे रहा? जेठानी दुख दे रही है, वो कौन दे रहा? ये जो दुख है ना, ये भी तुम्हारे कर्मों के कारण मिले हैं। इस जन्म में नहीं तो पिछले जन्म का कोई हिसाब बाकी होगा। ये सास, ये ससुर, ये पति, ये पत्नी, ये पिता, ये बेटा, ये बेटी, हर व्यक्ति हमें किसी न किसी जन्म के हिसाब किताब को चुकाने के लिए यहां पर मिलता है और वो अपना ऋण चुकाता है। आपका पति, आप कहती हो हमारा पति हमें दुख देता, नहीं, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे पति के रूप में तुम्हें मिले हैं। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पत्नी के रूप में तुम्हें प्राप्त हुए हैं। आपके कर्म ही आपके पुत्र और पिता के रूप में मिले हैं और वो आपको सुख या दुख दे रहे हैं। पितामह भीष्म को बाणों की सैया मिली, क्यों मिली? क्योंकि उन्होंने एक सांप को कांटों के ढेर में फेंका था, सांप को कांटे चुभ गए, मर गया, तो इन्हें भी बाणों की सैया। सांप को कांटों की सैया तो फेंकने वाले को भोगना पड़ेगा। आपने यदि किसी सांप को भी मारा है तो वो भी पाप दंड भोगना पड़ेगा। वो सांप तुम्हारी अगले जन्म में ससुर बन के आएगा और सांप की तरह भुस्कार मारता रहेगा, या पति बन के आ जाएगा, हिसाब लेता रहेगा, चुकाना तो पड़ेगा। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता। मेरे मालिक की दुकान में, समझ लो मेरी माँ, जो दुख हमें मिला है वो हमारे अपने कर्मों से मिला है। हमें दोष नहीं देना चाहिए किसी को। हमें सम्मान, हमें अपमान, हमें लाभ, हमें हानि जो भी मिल रही है वो हमारे पुण्य और पाप का ही प्रतिफल है। इसलिए दोष किसी को ना दो कि तुम्हारे कारण हमें ये मिला। किसी का पति बहुत अच्छा होता है तो किसी का पति बहुत बुरा होता है। क्यों? किसी का अच्छा और किसी का बुरा क्यों होता है? क्योंकि आपने अच्छे कर्म किए तो अच्छा पति मिलेगा, बुरे कर्म किए बुरा पति मिलेगा। ये तो कर्म दंड है, भोगना पड़ेगा। राम जी को वनवास क्यों जाना पड़ा? उनके पिछले जन्म का कर्म था, नारद जी ने श्राप दिया था, वो जाना था। को ना काहू को सुख दुख कर दाता,
और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। फटाफट बताओ, हमारे जीवन में आया हुआ दुख, उस दुख का जिम्मेदार कौन है ये बताओ, जोर से बताओ, जोर से। हम स्वयं। तो आज के बाद आप किसी और को दोषी नहीं कहेंगे, किसी और को दोष नहीं देंगे। दोष किसे देंगे, किसे देंगे? अपने को देंगे। हर दुख हमें जो भी मिला है वो हमारे किसी ना किसी जन्म के कर्मों का। तुम्हारा बेटा बहुत अच्छा है तो तुमने अच्छे कर्म किए तो बेटा सेवा कर रहा, और तुम्हारा बेटा बहुत बुरा है तो तुम्हारे बुरे कर्म ही तुम्हें पुत्र के रूप में मिल गए हैं। और वो जब तक कर्म दंड मिल नहीं जाएगा, वो कर्म कभी साथ नहीं छोड़ता। जो किए हो वो किए का फल संग संग चलेगा, भोगना ही पड़ेगा, बचेगा कोई नहीं। इसलिए हम कहा करते हैं, जब विपत्ति आए तो दोष किसे देंगे, न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। विपत्ति आई अंधा अंधी पे, लाल श्रवण सपाया है। जिसका बेटा श्रवण जैसा होगा उसको भी यदि किस्मत में दुख है तो बेटा श्रवण जैसा क्यों ना हो, भोगना है तो भोगना पड़ेगा। विपत्ति आई अंधा अंधी पे, लाल श्रवण सपाया है। न देना दोष दशरथ को, विपत्ति तो सब पे आती है। न देना दोष दशरथ को, विपत्ति तो सब पे आती है। मैया वो दादाजी को जगाओ, देखो पिछली बार यहां बैठे थे, अब थोड़ा दूर बैठ गए, देख ना पावे। कहां जाओगे बच के? विपत्ति आई राजा दशरथ पे, राम जब जा रहे थे बन को, न देना दोष कह कई को, विपत्ति तो सब पे आती है। आपके जीवन में जितना दुख मिला, मिलने का लिखा है, जितना मिलेगा मिलके रहेगा। इसलिए जब दुख आए तो रोया ना करो, चीखा ना करो। जैसे हंसते हंसते खुशियों के दिन अच्छे दिन काट लिए, ऐसे हंसते हंसते विपत्ति के दिन दुखों के दिन काट लो। चाहे हंस के काटो या रो के काटो, काटने तो पड़ेंगे। तुम्हारे रोने से भी तुम्हारा दर्द ठीक ना होगा, रोते रहो। जो मिलना है वो मिलके रहेगा। माता कुंती के जीवन में जितना दुख मिलना था मिला। माता देवकी को जेल में कितने साल रहना पड़ा? दसों साल तक।
दसों साल तक जेल में रहना पड़ा। तब ना भगवान का जन्म आठवें गर्भ में भगवान आए। रहना पड़ा, रहना पड़ेगा, जो कर्म दंड है भोगने पड़ेंगे। चुकाना पड़ेगा हिसाब। माता देवकी लगभग 20 वर्ष तक जेल में रही। भाई 8 पुत्र पैदा होने में लगभग 10 वर्ष तो लगेगा, तो 10 ये और 10.5-11 वर्ष तक भगवान जी यहां रहे, वृंदावन लीला करते रहे। जब गए हैं तब कंस को मारा, तब ना उन्हें जेल से मुक्त किया। तो 10 ये और 10.5-11 वो, तो लगभग 20 वर्ष से ऊपर हो गए। 20 साल तक वसुदेव जी और माता देवकी को जेल में रहना पड़ा। तो जब कर्म दंड भगवान के पिता और माँ को भोगना पड़ा, तो फिर हमें और आपको नहीं भोगना पड़ेगा, ये तो बताओ। इसलिए विपत्ति आए तो रोया ना करो, ये सोचा करो कि यहां से हमारे पाप स्टार्ट हो गए। पापों का फल है ये, जो किया है भोग लो। माता देवकी कौन है, क्यों इन्हें इतना कष्ट मिला, क्योंकि माता देवकी पिछले जन्म में माता कैकेयी थी। चित्रकूट में जब राम जी से मिलने आई तो राम जी ने कहा, मां पहले राम जी भेंट की कैकेयी मां से, प्रथम राम भेंटी कैकेयी, कैकेयी मां तो अब शर्मिंदा है। उन्होंने राम जी को 14 साल के लिए वनवास भेजा। राम जी से नजरें नहीं मिल पा रही हैं चित्रकूट में। जब मिलने आई तो राम जी ने पूछा, मां क्यों ऐसा। कैकेयी मां नजरें झुकाकर बोली, राम मुझे माफ कर दो, गलती हो गई। राम जी चरणों में गिर पड़े, मां कोई मां अपने बेटे से क्षमा मांगती है। हां पुत्र मैंने गलती की है। क्या गलती की आपने, मुझे वनवास तुम्हें वनवास भेज कर ना। माँ आपने तो बड़ी कृपा एहसान किया, नहीं तुमने बड़ा कष्ट उठाया है इन वनवास के दिनों में, मैं कैसे अपने आप को माफ करूं, तो मुझे माफ कर दो राम। राम जी ने कहा, अच्छा माँ मैंने कभी इस पर विचार नहीं किया कि आपने कोई गलती की। जब आपने गलती ही नहीं की तो मैं माफ किस गलती की माफी दूं आपको। यदि आपने मुझे माफ कर दिया तो मुझे एक वचन दो। कैकेयी मां ने कहा, हां हां मां मांगो, अगले जन्म में आप मेरे पुत्र बन करके आओगे। यदि आप मेरे पुत्र बन के आओगे तो मैं मान लूंगी कि आपने मुझे माफ कर दिया। राम जी बोले, मां अगले जन्म की प्लानिंग तो हो चुकी थी, भगवान के तो देखो पहले से आगे के प्रोग्राम सेट होते हैं। अब ये माँ कैकेयी एंट्री कर रही हैं, तो राम जी ने कहा, अच्छा ठीक है मैं आपका पुत्र तो बन जाऊंगा, पर मैं आपका दूध नहीं पीऊंगा, मैं आपका दूध नहीं पीऊंगा। इसलिए भगवान ने जन्म तो लिया माँ देवकी के यहाँ, पर दूध पीने के लिए माँ यशोदा के यहाँ आए, गोकुल आ गए। और मां जो राम जी को वनवास भेज करके जो अपराध किया, वो अपराध का दंड जेल में रह करके वही कर्म दंड भोगने पड़े माता देवकी को। कर्म पीछा नहीं छोड़ते। मैंने आपके गाल में एक थप्पड़ मार दिया ना, तो ये छप्पड़ मारने का भी जो कर्म हो गया मेरे से, यह भी मेरे पीछे लग जाएगा, और ये मुझे एक के बदले दो थप्पड़ दिलवा के ही रहेगा कभी ना कभी, तब ये मानेगा। ये कर्म है, ये कर्म है।
इसलिए कहता हूं अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करोगे सुखी रहोगे, बुरे कर्म का बुरा नतीजा। तुमने किसी को गाली दी है तो तुम्हें मिलके रहेगी, तुमने किसी के लिए गलत सोचा है तुम्हारा गलत होके रहेगा, सोचा ही है। इसलिए न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है, विपत्ति आई माता द्रौपदी पर, सभा में चीर हरण करते, न देना दोष कौरवों को, विपत्ति तो सब पे आती। तो आपके जीवन में ये विपत्ति जब आए तो समझ लेना ये हमारे कर्मों का दंड है, ये हमारे कर्म, जोर से, ये हमारे कर्म दंड है। अब हंस के भोगो या रो के भोगो, भोगना पड़ेगा।